ये देखें आप रश चेक कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर आप देखें मुसाफिरों का, और ये देखें आप रश चेक कर सकते हैं पूरा, ये देखें आप देखें ये स्पेशल ट्रेन है यहाँ पर, मट्टी मट्टी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये मट्टी चेक कर रहे हैं, मट्टी चेक कर रहे हैं आप। ओहो भाई, आज मैं मौजूद हूँ कराची कैंट रेलवे स्टेशन के ऊपर, और आज एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है जो कराची सिटी से पिशावर तक जाएगी। मतलब कि अभी जितना ये आवाम का रश आपको नज़र आ रहा है, ये तमाम वो लोग हैं जो कराची शहर में काम करते हैं और अपनों में ईद मनाने के लिए वो अपने अपने शहरों में जाते हैं। तो ये हर साल होता है, हर साल 26 रमज़ान के बाद 29 रमज़ान तक या 30 रमज़ान तक इसी तरह कराची कैंट रेलवे स्टेशन के ऊपर रश रहता है और लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अपने अपने शहरों में जाते हैं, उसके बाद फिर ये दोबारा कराची आते हैं। और आज हम आपको एक ट्रेन दिखाएंगे जो कराची सिटी से चलेगी और इस वक्त इसका इंतज़ार हो रहा है, वो कैंट पर पहुंचेगी और कैंट पर इसका पहला स्टॉप होगा, उसके बाद लांडी, हैदराबाद, टंडो आदम, नवाबशार, रोड़ी, रहीमयार खान, खानपुर, भावलपुर, खानेवाल, खानेवाल से टोबा टैक्सिंग, फैसलाबाद से होते हुए वजीराबाद, शांगला हिल से लेके वजीराबाद, रावलपिंडी और टैक्सिला, उसके बाद पिशावर। तकरीबन ये काफ़ी स्टॉप करने के बाद ये ट्रेन जाएगी पिशावर, और ये ट्रेन टोटल इकोनॉमी क्लास पर मुश्तमिल होगी, जिसके अंदर टोटल कोई इतना ऐसी स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसी अपना बिजनेस क्लास नहीं है, ना ऐसी स्लीपर है, टोटल इकोनॉमिक क्लास है। और कल एक ट्रेन रात 9 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी, जो वो भी ईद स्पेशल ट्रेन होगी, इसको ईद स्पेशल ट्रेन का नाम देते हैं। तो अभी हम मुसाफिरों से बात भी करते हैं और आपको कुछ कोचेस की हालत भी दिखाते हैं कि वो कोचेस किस तरह की हैं जो ईद स्पेशल ट्रेन के नाम पर चलाई गई है। तो आप हमारे साथ रहें, इस वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। सर इस तरह नज़र आ रहे हैं, देखो यार एक ट्रेन है पिशावर जाने के लिए, और इसमें आप रश देख सकते हैं आवाम का, काटे मारता हुआ समंदर है ये आप देखें। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी है और कुली हजरात सामान उठा उठा कर जा रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से, ये आप देख सकते हैं भाई। आप कहाँ जा रहे हैं सर? जंग जा रहे हो भाई, ये देखो ये जंग करने जा रहे हैं, ये देखें भाई ये रश देखें आवाम का। जैसे ही गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकी है और ख्वातीन हो मर्द हो, तमाम लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अपने अपने शहरों में जा रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं कि रश आप देखें काफ़ी लगा हुआ है। और ट्रेन के अंदर भी जाएंगे और अंदर जाके भी आपको सूरत हाल से आगाह करेंगे कि ये जो इकोनॉमी क्लास की कोचेज़ हैं, एक भाई ने बताया भावलपुर का किराया 2500 रुपये का है। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? खानपुर भाई जान, कितने किराया दिया? हाँ के 2500 रुपया लिया है ओपन टिकट का। ओपन टिकट 2500? सीट नहीं मिली? सीट नहीं मिली भाई। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? टिकट मिली बर्थ मिला है। कितने का मिला? 3500 का मिला है। 3500 रुपये का बर्थ मिला है भाई को। ये मौलाना साहब जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं? फैसलाबाद में। टिकट मिला, बर्थ मिला जी? कितने का मिला? ये 3800 का हुआ है। 3800 का मिला है जी। पानी नहीं होगा ट्रेन में? नहीं पता नहीं, हमने पानी अपना ले लिया है। चलो चलो ठीक है भाई। आप कहाँ जा रहे हैं सर? मुल्तान। टिकट मिला आपको जी? बर्थ मिल गया? कितने का मिला? 3100 रुपए का मिला। आराम से मिल गया जी? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पहले बुक करवा लिया। पहले ही बुक करा लिया है? ठीक है, देखिए भाई पहले बुक करा लिया। अच्छा, इस ट्रेन के अंदर जो ओपन टिकट वाले हजरात ज़्यादा हैं, और भाई यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी सर। खानपुर डिस्ट्रिक्ट अमीर खान। रहीमयार खान खानपुर डिस्ट्रिक्ट। कितना किराया? 2500 का बर्थ मिल गया। कहाँ से मिला? यही स्टेशन से मिला है? नहीं पहले का किराया होता। पहले का करवा लिया? देखिए भाई ने पहले करवा लिया है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने कोचेज़ में वो चढ़ रहे हैं। देखें भाई यहाँ पर सीट का फैसला हो रहा है, ये देखें सीट का फैसला हो रहा है, इधर देखें आप। हाँ ये आप देखें कोच की सूरत आपको दिखाते हैं ज़रा, क्या है भाई यहाँ पर पंखे वंखे लगे हुए, देखिए पंखे बंद है। पंखे खोले भाई? खोले नहीं खोले पंखे? मट्टी है ऊपर इसके, ये स्पेशल है। स्पेशल है ये? देखो मट्टी चेक करो आप यार, ये स्पेशल है, मट्टी आप चेक कर सकते हो भाई यहाँ पर। देखिए ये स्पेशल ट्रेन है यहाँ पर, मट्टी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये मट्टी चेक करें, मट्टी चेक करें आप। ओहो ये स्पेशल ट्रेन की हालत देखें आप, स्पेशल ट्रेन का नाम दिया है भाई। यहाँ भी मट्टी है? ये एक साल पहले चलती है और एक साल तक ये बंद रहती है, तो मट्टी होगी जाहिर सी बात है। ये आप देखें, ये मट्टी चेक करें आप। ओहो भाई कहाँ जा रहे हैं आप लोग? फैसला टिकट मिल गया आराम से? ठीक है भाई, भाई को टिकट मिल गया है। देखिए ट्रेन चल चुकी है और सिर्फ
10 मिनट से भी कम इसने स्टाफ लिया है और ये ट्रेन चल चुकी है और लोगों से फिर भी पूछ लेते हैं भाई कि ये अपनों में जा रहे हैं सारे। ये देखें ये भाई चाचा सर, चाचा कहाँ जा रहे हैं? ये सर मुल्तान। मुल्तान टिकट मिल गया? जी मिल गया। इससे बात कर लेना जी, बच्चा लेके माशाल्लाह। हाँ भाई कहाँ जा रही हो? जा रही बताओ भाई। मुल्तान जा रही है, मुल्तान जा रहे भाई। ये देखें इससे बात, और ये ट्रेन चल चुकी है। ये बेटा कहाँ जा रहे हो? मुल्तान। आप भी मुल्तान जा रहे हो जी? ये देखो भाई भी यहाँ जा रहे हैं। भाई कहाँ जा रहे हैं भजन? वजीराबाद। वजीराबाद वजीराबाद टिकट कितने का मिला? 4200 रुपए का मिला। ये देखिए भाई 4200 रुपए का टिकट मिला है इनको, और ये ट्रेन इस वक्त यहाँ से चल चुकी है और मैं भी थोड़ा सा पैदल जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से 31 घंटे ये ट्रेन लेगी और 31 घंटों के बाद ये ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुँचेगी पिशावर। और सैफ भाई भी यहाँ पर आए हैं, सैफ भाई से भी पूछते हैं। सैफ भाई 31 घंटे बाद पहुँचेगी? बिल्कुल ऐसा ही है, इतना ही टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्या कर सकते हैं आप? स्ट्रॉबेरीज है ना, कोशिश करना। मट्टी मट्टी है यार सारी, बस क्या अब देख लें भाई। ईटी स्पेशल पे जो जो इनके पास ट्रेन अवेलेबल थी उनके हिसाब से इन्होंने जो है ना गाड़ी तैयार करके लिए आवाम की सहूलत के लिए निकाल दी है। ठीक है, देखिए भाई ये आवाम की सहूलत निकाल दी है और मैं आपको दिखाता हूँ। मैं तो इस चीज़ पे ये कहूँगा, क्या कहेंगे बोले बोले, मैं शुक्र अदा करें ये भी मिल रही है। सही बात है। ये देखें भाई कुछ नई कोशिश लगाई हुई है भाई। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।